देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। विदिशा में भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर पीयूष सक्सेना पर देहात थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर यौन शोषण का मामला दर्ज किया। डॉक्टर सक्सेना हड्डी रोग विशेषज्ञ, शहर की कई सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हैं। परिजनों का कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। डॉक्टर सक्सेना पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माधवगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। कल दिनांक एक सीए छात्रा ने कंप्लेंट दर्ज कराई। उसने उस कंप्लेंट में बताया कि उसके पड़ोस में दो मकान छोड़ के रहते हैं, वो पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंधों के नाते पढ़ाई के माने उसको गलत तरीके से बचपन से, मतलब आज से 10 साल पूर्व से, 2008 साल से टच करते हुए उसको उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। उसके फोटोग्राफ्स लेके उसको फर्जी आईडी बना के उसको परेशान किया जा रहा था। अभी वर्तमान में बाहर पड़ रही है, तो उसने इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए रिक्वेस्ट करी होगी। जब नहीं माने तो अपने परिजनों को बताया और फिर परिजनों को लेके कल FIR दर्ज किया। रेप भी किया है इसमें? जी हाँ। गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, अभी गिरफ्तार। कब तक हो जाएगा ये आपकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं? जैसी धाराएँ, धारा 376 पास्को एक्ट लगी है और ITA एक्ट। अभी कितनी उम्र है? अभी 23 वर्ष। जितेंद्र सिंह के साथ विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट, खबर समय जगत के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।